कराटे जापान से निकलकर विश्व के कोने कोने में पहुंच गई है। युद्ध की कला के तौर पर विकसित ये आर्ट आज अपनी पहचान बनाने में सफल है। आधुनिक दौर में कराटे को विश्व विख्यात करने में ब्रूस ली और उनके फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रूस ली के फिल्मों को देखकर लोगों में कराटे सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ओकिनावा को कराटे की भूमि भी कहा जाता है। ओकिनावा के इतिहास में रियुक्यू राज का चीन के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध काफी मजबूत थे। 14वीं शताब्दी में रियुक्यू ने चीन के साथ एक सहायक संधि कर रखी थी। चीन और रियुक्यू राज के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ने के साथ ही चीन से लोग रियुक्यू राज में नौकरी या व्यापार करने के लिए आने लगे और इसी के साथ चीन की मार्शल आर्ट भी ओकिनावा पहुंची। चीनी मार्शल आर्ट को ओकिनावा की स्थानीय भाषा में टोडे या टे के नाम से भी जाना जाता था। पहले इस कला को वहां के केवल अमीर लोग ही सीखा करते थे। वे चीन जाकर भी वहां के मार्शल आर्ट सीखने लगे और वहां से काफी कीमती ज्ञान को लेकर वापस अपने ओकिनावा में लौटे। ओकिनावा के मुख्यतः तीन गांव में टे का काफी विकास हुआ। ये गांव थे सूरी, नाहा और तुमारी। इन गांव के नाम से ही इस मार्शल आर्ट को सूरी टे, नाहा टे और तुमारी टे के रूप में भी जाना जाने लगा। 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट की ये विधा काफी विकसित होने लगी। सन 1879 में ओकिनावा का जापान में विलय हो गया। सन 1900 में ओकिनावा कराटे को ओकिनावा के स्कूलों में फिजिकल फिटनेस के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। जापान में कराटे का आगमन 20वीं शताब्दी में हुआ। ओकिनावा से आने वाली सांस्कृतिक एवं वहां की मार्शल आर्ट जापान के लिए नई और विशिष्ट थी। लोगों को ये नई आर्ट काफी पसंद आई। आज जापान में कराटे के बहुत से स्टाइल हैं, जिसमें मुख्य है शितो रियू, वादो रियू, गोजो रियू और सोतो कान। ये सभी ओकिनावा कराटे से ही निकले हैं। गिचिन फुनाकोशी को आधुनिक कराटे का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही ओकिनावा से कराटे सीखकर सर्वप्रथम जापान लेकर आए। सन 1920 में गिचिन फुनाकोशी जापान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कराटे का प्रदर्शन के साथ वहां प्रशिक्षण देना भी शुरू किया। इन्होंने इस मार्शल आर्ट यानी टे का नाम बदलकर कराटे रख दिया। वैसे तो बहुत से लोग कराटे डो को एक ही शब्द मानते हैं, किंतु इसमें तीन शब्दों का मिश्रण है। कारा यानी खाली, टे का मतलब हाथ और डो का मतलब वे, अर्थात कराटे का अर्थ खाली हाथ या खाली हाथ से लड़ने की कला। जापान की मार्शल आर्ट कमेटी ने कराटे को जापानी मार्शल आर्ट के रूप में मान्यता दे दी। मान्यता मिलने के बाद कराटे का प्रसार प्रचार बढ़ने लगा। जापान से कराटे प्रशिक्षक दूसरे देशों में जाकर कराटे सिखाने लगे। इस तरह दूसरे देशों में भी कराटे का प्रचार प्रसार बढ़ा। ओकिनावा और जापान की कराटे, दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। वो चाहे
दर्शन, मानसिकता या फिर एप्लीकेशन हो। जापान में कराटे को खेल के रूप में ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाने लगा, जबकि ओकिनावा में ये मार्शल आर्ट और जीवन शैली के रूप में जाना जाता है। जापानी कराटे में जहां गहरे और लंबे स्टांस का उपयोग होता है, कुमिते यानी फाइट भी दूरी बनाकर की जाती है। वहीं ओकिनावा कराटे पर चीनी मार्शल आर्ट के अत्यधिक प्रभाव के कारण छोटे स्टांस, शरीर में प्रेशर पॉइंट, सेल्फ डिफेंस के साथ सांस लेने और छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में कराटे सीखा जाता है। लोग इसे अपनी फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस या फिर एक खेल के रूप में लेते हैं। मुझे विश्वास है आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम अगले एपिसोड में भारत से मार्शल आर्ट चाइना कैसे पहुंचा ये बताएंगे।